चलो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं भर्तरी बाबा के, जो कि पड़ता है अलवर ज़िले में, और ये ना आसपास का एरिया का काफ़ी मशहूर मंदिर है। और यहाँ पे थोड़े दिन पहले ना मेला भी भरा था। यहाँ जयपुर से भर्तरी बाबा का डिस्टेंस है 115 किलोमीटर, जो कि थाना गाजी होते हुए सरिस्ता होते हुए आपको रास्ता मिलता है। और दूसरा, अगर आप अलवर से आ रहे हैं तो आपको 38 किलोमीटर ये उधर से पड़ेगा, ये भी सरिस्का होते हुए रास्ता है। ये यहाँ का रास्ता सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर से होते हुए जाता है, तो आपको माइंड करना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ से जा रहे हैं तो आपको टाइमली जाना पड़ेगा। वहाँ का टाइमली आई थिंक सुबह 6 बजे से शुरू होता है और 9 बजे आई थिंक वो रास्ता बंद हो जाता है, तो आपको 9 बजे से पहले वहाँ से निकलना होता है। ये गर्मियों का टाइमिंग है, सर्दियों का टाइमिंग थोड़ा अलग होता है। ऑल्सो आपको वहाँ के थोड़े रूल भी मानने पड़ते हैं कि आपको ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना, और अगर आपको रास्ते में कोई जानवर मिल जाए तो उसको परेशान नहीं करना वगैरह वगैरह। सो अगर आप वहाँ से रास्ते में जा रहे हैं तो फ़ोटो के लिए आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। प्लस आपको रास्ते में हिरण और आपको नील गाय और बहुत सारे जानवर भी मिल जाएंगे, जंगली सुअर, बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, और हो सकता है अगर आप लकी हैं तो शेर भी दिख जाए। और कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो यहाँ का सेम वही सीन है। यहाँ की जो रोड जा रही है भर्तरी बाबा के, वो इतनी प्यारी इतनी सुंदर रोड है। आपको वहाँ पे बहुत ग्रीनरी दिखेगी और आप रोड बहुत सुंदर है, और बारिश के टाइम में तो ये और भी सुंदर लगती है। जैसे हमको रास्ते में जो जानवर मिले उनमें से सबसे ज़्यादा क्लोजली जो हमने देखा वो था कुछ हिरण और नील गाय और कुछ बंदर, और मोर भी साइड में घूम रहे थे, ये सारे एक साथ ही घूम रहे थे। सो या और ये लोग ये सब ना रोड के बहुत पास में थे, तो आपको गाड़ी ना इनके आसपास आती है ना बहुत स्लो करनी पड़ती, क्योंकि पता नहीं है कभी भी आपकी गाड़ी पे भी कूद सकते हैं या इनको हर्ट भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत स्लो चलाना पड़ता है वहाँ पे गाड़ी। वैसे तो भर्तरी बाबा के भीड़ कम ही होती है नॉर्मल डेज में, बट अगर आप मेले के आसपास जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। अगर आप मेले वाले दिन जा रहे हैं तो कहते हैं कि वहाँ 3-4 किलोमीटर पहले ही गाड़ी की पार्किंग करवा लेते हैं, आपको 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। लकीली हम मेले से 2-4 दिन बाद ही गए थे, तो हमको इतना रश नहीं मिला, बट फिर भी काफ़ी रश था उस टाइम। वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कई लोग बोल रहे थे कि इधर साइड में गाड़ी लगा दो, इधर कर लो, पर्ची दे रहे थे, तो प्लीज़ वो मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है आप, और मेन गेट के सामने भी आपको पार्किंग मिल जाती है, तो आप बहुत पहले गाड़ी पार्क करके आपको बहुत पैदल चलना पड़े उसके बजाय आप लास्ट में जाके गाड़ी लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। मेन पार्किंग से सिर्फ 100 मीटर का रास्ता है मंदिर का, और उसके सामने पहले पार्किंग ही पार्किंग है। मंदिर में एंटर करते ही आपको मेन गेट दिख जाएगा, और वहाँ पे मंदिर के एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक ना गोमुख बना हुआ है, वहाँ पे ना 24 घंटे पानी आता रहता है। वहाँ पे आपको हाथ या मुंह धोने हो तो आप वहाँ पे धो के अंदर जा सकते हैं। वैसे नॉर्मली सब वहाँ पे हाथ या मुंह धो के ही अंदर जाते हैं बाबा के दर्शन करने, तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं भर्तरी बाबा के। Thank you.
चलो। तो ये तो देखो भैया, ये इसमें से दिखाना। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, घर के बर्तनों से लेके आपको ज्वेलरी से लेके और खिलौनों से लेके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर मोस्टली वहाँ पे खिलौने ही मिलते हैं मेले के हिसाब से, जो बच्चे आते हैं वो खिलौने वगैरह लेके जाते हैं। बट वहाँ पे उसके अलावा भी बाकी लकड़ी की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कहीं भी साइड में, जो भर्तृ जी का रास्ता है मेन वाला, वहाँ पे कहीं भी साइड में गाड़ी रोक के फोटोज़ ले सकते हैं, अपने नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही प्यारे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, आप फोटो खिंचवा सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे नेचर को। और उसके आस तीनों तरफ पहाड़ हैं, तो पहाड़ को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि वहाँ पे जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ बाबा जी घूम रहे होते हैं, वो आपको मुट्ठी में बोलेंगे कि ले लो, 10 रुपये है ले लो, आपके धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, प्लीज़ वो मत लीजिएगा। क्योंकि वो ना एक तरीके से वो आपको ना चीट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको 10 रुपये देंगे और बोलेंगे मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आप भी मुझे कुछ दीजिए। अब आप उनको 10 रुपये वापस दोगे तो वो नहीं लेंगे, वो आपसे 500 रुपये या 1000 रुपये लिए बिना नहीं मानते हैं। तो प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट दैट कि आप वो ना लें, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उनको। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया। प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।